अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं फ़ायज़ा व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज चांद रात है, और यानी कि 12 बजे रात के चांद नज़र आया है, तो सुबह ईद होगी। और आप लोगों को एडवांस मेरी तरफ से ईद मुबारक। और अभी मेरे बाबा लेने गए हैं गोश्त, क्योंकि सुबह गोश्त बनाना है हमने, यानी कि कीमा भून कर बनाएँगे हम। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा अभी बाबा आए थे तो 3-4 बज रहे हैं, तो अभी बाबा मिठाई लेकर आए सुबह के लिए। उसके अलावा नीमको वगैरह भी, और इसके अलावा नीमको और चिप्स वगैरह भी लेकर आए थे। तो मिठाई में मुझे ज़्यादातर बर्फी और चमचम और उसके अलावा गुलाब जामुन वगैरह पसंद है, तो अभी ये लेकर आए थे। उसके अलावा बहुत सारे काम थे, क्योंकि अचानक से तो मतलब चांद रात का पता चला कि अचानक से तो चांद रात हो गई। 12 बजे रात के चांद नज़र आया, क्योंकि पहले तो 10 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम 10 बजे तक आ जाता नज़र, बट इस बार तो बहुत ही देर हो गई। तो अभी हम कपड़े वगैरह इस्त्री करेंगे, मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ। और उसके अलावा मैं आपको मेहंदी भी दिखाऊँगी, जो मेहंदी हमने लगाई है। और उसके अलावा आपको मैं आखिर में एक रेमेडी भी बताऊँगी। और मम्मा के ईद के फर्स्ट डे का सूट मैं दिखाती हूँ आपको, ईद के फर्स्ट डे का सूट, के ब्लैक कलर में ईद के फर्स्ट डे का सूट है। इसके साथ सिंपल से मम्मा ज्वेलरी पहनेंगी, और क्योंकि मम्मा बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी वगैरह नहीं वेयर करती हैं। और उसके अलावा मेकअप भी बहुत लाइट करती हैं। इसके अलावा ये ईद के फर्स्ट डे का ड्रेस है, और ईद के सेकेंड डे का ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ मम्मा का। वो लॉन का है, वो मैंने स्टिच किया। ये हमने ऑनलाइन ड्रेसेस ऑर्डर किए थे, और क्योंकि लॉकडाउन था तो बाहर तो जाना मतलब मुमकिन नहीं था। तो वैसे जैसे बहुत ज़रूरत की चीज़ें जो हमें मतलब लग रहा था कि हम खुद जाकर ख़रीदें, वो हमने ख़रीदी। वैसे हमने ड्रेस वगैरह खुद ऑर्डर किए। ये मैंने सूट खुद स्टिच किया था मम्मा का, क्योंकि हमने पहले मंगवा लिया था। और ये जो ईद के फर्स्ट डे का ड्रेस था, वो हमने बाद में मंगवाया था। पहले तो चांद रात की वीडियो शूट करने का मेरा कोई प्लान नहीं था, फिर मम्मा ने बोला कि वीडियो बना लो, ड्रेस वगैरह दिखा दो जो हम वेयर करेंगे। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते, थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि पूरी रात तो अब हम सोएंगे नहीं, और 5 तो अभी बजने वाले हैं, बस थोड़ा टाइम रहता है। और उसके अलावा लास्ट में मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी। ये मेरे सेकंड डे का सूट था, इसका ये ट्राउज़र मैंने लिया था, और साथ पर्पल कलर का ये ड्रेस था, और ये भी मैंने खुद स्टिच किया था। और उसके अलावा ईद के फर्स्ट डे का ड्रेस भी मैं आपको दिखाती हूँ। ईद के फर्स्ट डे का ड्रेस ग्रे कलर में था, और ये पेपलम टाइप कुर्ती थी। और इसके अलावा इसके साथ गोल्डन कलर का दुपट्टा, यानी कि गोल्डन कॉम्बिनेशन था ग्रे के साथ, ये पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। उसके अलावा मेरे भाई वगैरह के कपड़े जो थे, और छोटी सिस्टर के कपड़े, सब हमने ऑनलाइन ही ज़्यादातर ऑर्डर किए थे। और उसके अलावा ज़्यादा सामान हमने सारा ऑनलाइन ऑर्डर किया, और बाहर सिर्फ वैसे गए थे जैसे कोई कोई सामान हमें लेना था, लाइक जैसे मेहंदी लेनी थी या चूड़ियाँ वगैरह भी हमने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और अभी पाकिस्तान केबल्स की तरफ से पार्सल आया था, यानी कि उनकी तरफ से ईद आई थी मेरे बाबा की, तो उन्होंने इसमें नीमको और मिठाई, मिक्स नीमको थी, और एक उसके अलावा चेवड़ा नीमको होती है जो मीठी भी होती है, खट्टी भी होती है, और उसके अलावा साथ में एक मिठाई का डिब्बा था, और वो भी हमने टेस्ट किया, बहुत अच्छी बनी हुई थी मिठाई। और साथ के लिफाफे थे ईद के, जैसे हम किसी को ईद वगैरह देते हैं तो फिर इस लिफाफे में डालकर दे सकते हैं, और बहुत अच्छा टेस्ट था मिठाई वगैरह का भी। नीमको भी हमने टेस्ट की, बहुत अच्छी थी, और मुझे ज़्यादातर नीमको बहुत अच्छी लगी। मिठाई भी अच्छी थी, ये मिठाई जो थी वो देसी घी से बनी हुई थी। ये सारी मिठाई और नीमको वगैरह रहमत शीरी बेकरी, आई थिंक तारक रोड पर है कराची में, वहाँ से आई थी। सुबह के 6 बज रहे हैं, और अभी बाबा को हम उठाने जाएंगे नमाज़ के लिए, ताकि वो नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। और इसके अलावा अभी हमने सवैयाँ वगैरह बनानी है, तो ईद के दूसरे दिन की वीडियो में शूट करूँगी। और मैंने ये मेहंदी लगाई थी अपने और खुद के मेहंदी लगाई थी, इसके अलावा मम्मा के मेहंदी लगाई थी, और ये वाली चूड़ियाँ मैंने ऑर्डर की थी। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे तो हर बार हमारे घर पे ईद पर खीर ही बनती है, बट इस बार मेरा इरादा था कि कस्टर्ड वगैरह हैं खीर, इनमें से कुछ एक बनाएंगे, बट अचानक से चांद रात का बोला गया तो फिर कोई भी तैयारी नहीं हो सकी, तो इस वजह से हमने खीर नहीं बनाई और सवैयाँ बनाई ईद पर। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।